अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरे जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुझसे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को नबी जड़ी बूटी के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों नबी जड़ी बूटी को इसके अलावा मोहम्मद जड़ी बूटी भी बोला जाता है। और दोस्तों ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा उगती है, शाम के अंदर, लेबनान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यमन के अंदर बकसरत पाई जाती है। इसके अलावा ईरान के अंदर भी ये मिल जाती है। और दोस्तों नबी जड़ी बूटी के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों इनके पत्तों का रंग ग्रीनिश ग्रे होता है। और दोस्तों इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं और दोस्तों इससे ट्रेडिशनल अरेबियन हर्बल मेडिसिन बनाई जाती हैं। और दोस्तों नबी जड़ी बूटी जो है सबसे ज्यादा सऊदी अरब और यमन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों इसके पत्तों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों इसके पत्तों में से बहुत ही भीनी भीनी प्लेजेंट स्मेल आती है। और दोस्तों ऐसी खवातीन के लिए बेहतरीन है जिन्हें 18 की बीमारी है, जिनका अक्सर बच्चा जाया हो जाता है या जिन्हें हमल नहीं होता, उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों 3 माह तकरीबन मुसलसल जो है शादीशुदा खवातीन इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला वो कंसीव कर जाती हैं, वो हमल से हो जाती हैं। और ऐसी खवातीन के लिए भी ये बेहतरीन है जिन्हें मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, डीएनसी बहुत ज़्यादा होती है उनकी। और दोस्तों इसके पत्ते को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है, जब आप इसे लेकर आए तो इसे आपने धोना नहीं है, इसे जस्ट आपने एक साफ कपड़े के साथ मल लेना है इसके पत्तों को, ताकि इसके ऊपर जो गर्द गुबार है, जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। और फिर आपने इसे पीस के इसका पाउडर बनाकर रख लें और दोस्तों इसके पत्तों को बारीक कूट लें। तो 1 टीस्पून आपने इसे इस्तेमाल करना है जब आप हैज से फारग हो जाएं। और दोस्तों जब नहा लें उसके बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब अपने खावल के साथ वह मिलेंगी तो डेली आपने 1 चम्मच इसका सफूफ का खाना है और मुसलसल आपने 3 महीने तक इसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला 18 की बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी, इसके अलावा आप कंसीव भी कर जाएंगे, यानी आपको हमल भी हो जाएगा और दोस्तों बच्चा भी आपका सही सलामत पैदा होगा। और दोस्तों नबी जड़ी बूटी जो है कंसीव करने के लिए यानी हमल से होने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और दोस्तों इसके सफोफ को आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और दोस्तों जैसे वो इसी समझे तो वो यूज़ कर सकती हैं और इसके रिजल्ट्स जो है 100% है। दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये आपको जड़ी बूटी जो है अच्छी पंसारी स्टोर से मिल जाएगी, या आप इसे हर बार ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या ऐसे अफराद से भी आप मंगवा सकते हैं जो यमन से आ रहे हैं या सऊदी अरब से आ रहे हैं। और दोस्तों मक्का के अंदर और मदीना के अंदर अक्सर लोग इसे जो है बेच रहे होते हैं और दोस्तों ये सस्ती भी मिल जाती है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नबी जड़ी बूटी के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है नबी जड़ी बूटी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। जॉली अजीम को इजाजत दे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।